हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं एफएमसी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोर प्राइमा इंसेक्टिसाइड। अब यह कोर प्राइमा जो इंसेक्टिसाइड है, इसमें कौन सा टेक्निकल है, इस टेक्निकल का काम करने का तरीका क्या है, कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट क्या है, डोज क्या है, कीमत क्या है, कौन सी कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप कीटनाशक है तो कौन से इंसेक्ट पर बढ़िया कंट्रोल मिलने वाला है। कुछ किसान भाई कह रहे हैं ये नया टेक्निकल है, ये नया कीटनाशक है। कुछ किसान भाई बोल रहे हैं यह एक नया कीटनाशक दवाई है, इसका रिजल्ट कैसा है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एफएमसी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोर प्राइमा इंसेक्टिसाइड। इसका व्यापारिक नाम एफएमसी कंपनी मार्केटिंग कर रही है कोर प्राइमा इंसेक्टिसाइड के नाम से। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कौन सा टेक्निकल है, उसकी क्या खासियत है और क्या उसमें माइनस पॉइंट है, संपूर्ण जानकारी कवर और क्लियर करने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो टेक्निकल है, क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल 35% जो कि WDG फॉर्म में आती है। अब यहाँ तो ये कवर और क्लियर हो गया कि यह कोई नया कीटनाशक नहीं है सिवाय नाम के। नाम नया है, टेक्निकल पुराना है। अब परसेंटेज बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ने से डोज कम हो जाएगा। पहले कोरेजन में आ रहा था डोज क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 18.5%, डोज उसका था लगभग 50 से 60 ml, एक एकड़ में डोज था। लेकिन दोस्तों आपको बतला दें, इसका जो डोज है थोड़ा सा कम गया है लेकिन परसेंटेज बढ़ गया है, तो यहाँ कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, यानी यह एक नया कीटनाशक नहीं है। और भी इसका क्या निष्कर्ष, वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल 35% जो कि WDG फॉर्म में आती है, मोड ऑफ एक्शन के ऊपर बात करें तो FMC की कोर प्राइमा एक प्रकार की सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है दोस्तों, और यह एक साइनाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। सिस्टमिक है और कीटों की कैल्शियम चैन होती है। अब जो कीट होते हैं, इंसेक्ट हैं, उनके ऊपर एक कैल्शियम चैन होती है, सीधा कैल्शियम चैन को तोड़कर कीट के अंदर प्रवेश हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि कीट जब कीटों के मुंह से जाए तभी कीटों पर कंट्रोल मिलेगा, नहीं दोस्तों, बल्कि कैल्शियम चैन को तोड़कर कीटों को पैरालाइज करके कंट्रोल करता है। तो यह एक मोड ऑफ एक्शन है और काफ़ी इंस्टेंट यह इंसेक्टिसाइड काम करती है। बात करते हैं दोस्तों, यह अंडे को, प्यूपा को, लार्वा को कंट्रोल करती है। इंसेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे तो इंसेक्ट में प्रमुख रूप से फॉल आर्मी वर्म है, फल छेदक है, स्टेम बोरर है और सभी प्रकार की इल्लियों को, चाहे सेमी लूपर्स हो, बॉल बर्म हो, कैटरपिलर, सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने वाली यह कीटनाशक है, यानी क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल है। क्रॉप्स के ऊपर बात करें कि कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, प्रमुख रूप से बैगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कपास, सोयाबीन, उड़द, मूंग जैसी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर किसी फसल पर, चाहे मक्के की फसल हो या फिर मिर्च की फसल हो, फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप है, फली छेदक का प्रकोप है, या फिर कोई भी प्रकार की पत्तियों को खाने वाली, फल को खाने वाली इल्ली का प्रकोप है तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन यह सेकिंग पेस्ट रस चूसा कीटों को कंट्रोल नहीं करती है। बात कर लेते हैं डोज के बारे में, तो 15 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम की दर से स्प्रे करना है और आपको एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में लगभग 34 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। फॉर्म के ऊपर बात करें तो यह WDG फॉर्म में आती है, यानी छोटे छोटे कण की आकृति में, बिल्कुल पानी पर जैसे ही आप घोलेंगे तुरंत घुल जाएगी, छोटे छोटे माइक्रोन कण जो होते हैं इस फॉर्म में आती है, WDG फॉर्म में आती है और तुरंत इंस्टेंट पानी में घुल भी जाती है और कीटों पर बहुत ही इंस्टेंट जल्दी काम करती है दोस्तों। और यह एक ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है और इसका प्राइज 34 ग्राम का प्राइज 1100 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है, कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल 35% जो कि WDG फॉर्म में आती है। अब देखिए दोस्तों कंपनी ने क्या नई चाल चली है, जो टेक्निकल है, टेक्निकल वही है, बस जो परसेंटेज है और जो फॉर्म है उसमें हेर फेर कर दिया है। अब कहने का मतलब ये है कि मार्केट में क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल पहले से उपलब्ध है 18.5% SC कोरेजन के नाम से। अब क्लोर एंट्रा नीलिप्रोल का इन्होंने क्या किया है कि परसेंटेज बढ़ा दिया है, परसेंटेज बढ़ाने से डोज घट गया है,
बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि एफएमसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट्स लॉन्च किया? हाँ, इसका जो फॉर्म है पहले एससी फॉर्म में था, अब WDZ फॉर्म में आता है, क्योंकि एम्प्लिगो के नाम से भी कंपनी अलग अलग कंपनी ने एफएमसी की, जैसे कोरेजन आती है वो एससी फॉर्म में आती है, इसके अलावा एम्प्लिगो जेटसी पेट्रोलियम पदार्थ फॉर्म में आती है, और यह एक WDZ फॉर्म में आती है। क्लोरेंटा नीलीप्रोल दोस्तों सेम टेक्निकल है और अन्य कंपनी भी यह टेक्निकल दे रही है। दोस्तों बात करते हैं स्टेज के बारे में, तो इसको आप किसी फसल पर अधिकतम 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। फूल की स्टेज पर भी स्प्रे किया जा सकता है, वनस्पतिक स्टेज पर, या फिर जब कीटों का प्रकोप, इल्ली का प्रकोप हमारी सोयाबीन की फसल पर या फिर किसी अन्य फसल पर प्रकोप होता है, तब हम इस कीटनाशक का, इस टेक्निकल का स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप फंगीसाइड के साथ, टॉनिक के साथ और अन्य कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे दोस्तों कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो घुलनशील खाद 19-19-19 के साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है, और जैसे आपने स्प्रे कर दिया 15 दिनों तक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया एफएमसी कंपनी की जो कोर प्राइमा इंसेक्टिसाइड आती है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।